नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया हवाई सेवाओं का वर्चुअली शुभारंभ। पिथौरागढ़ वायुयान सेवा के साथ जोशियाड़ा और गोचर भी एयर कनेक्टिविटी से जुड़े, स्थानीय लोगों को मिलेगा लाभ। पौड़ी में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ। अंडर 10, अंडर 15 और अंडर 20 आई वर्ग में 6 जिलों के 105 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए होगा चयन। और कोटद्वार में आयोजित किया गया पूर्व सैनिक स्मरण उत्सव। सैनिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों और वीर नारियों को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली से पिथौरागढ़ वायुयान सेवा और देहरादून से जोशियाड़ा व देहरादून से गोचर हेली सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति पिथौरागढ़ से दिल्ली 1 घंटे 25 मिनट में पहुंच सकेगा। इस परियोजना से गुंजी आदि कैलाश की यात्रा आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जोशियाड़ा की यात्रा 40 मिनट और गोचर की यात्रा 50 मिनट में पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता के लिए उड़ान योजना शुरू की थी। इस योजना से राज्य में हवाई संपर्क मजबूत हुआ है। फिलहाल राज्य में 18 हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 10 पर हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हम आज दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए 42 सीटर विमान सेवा और देहरादून के सहजदारा से जोशियाड़ा, गंगोत्री और गोचर चमोली के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये तीनों ही परियोजनाएं हमारे लिए बहुत ही राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राज्य में पर्यटन एवं आर्थिकी को गति मिलने के साथ ही यहां सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ की जनता को देश की राजधानी तक पहुंचने के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिल सकेगा। इन सेवाओं के प्रारंभ होने के पश्चात राज्य के दूरस्थ इलाकों पर न केवल हवाई संपर्क मजबूत होगा, बल्कि आपातकालीन सेवाएं और आपदा प्रबंधन के कार्यों में भी गति आएगी। अब कोई भी व्यक्ति पिथौरागढ़ से दिल्ली 1 घंटे 25 मिनट में पहुंच जाएंगे और लगभग 2500 रूपये में अपनी यात्रा वो पूरी कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, इस सेवा के प्रारंभ होने से आसपास के क्षेत्रों में जो हमारे मुंशियारी, बेरीनाथ, चौकोड़ी, शौर वैली, दारमा वैली, ब्यास वैली और ऐसे अनेक स्थल जो हमारे आदि कैलाश जैसे स्थानों तक, गुंजी और अन्य पर्यटक स्थलों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत देहरादून सहजदारा से जोशियाड़ा और गोचर की जो हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ होना भी यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन सेवाओं के प्रारंभ होने से जहां जोशियाड़ा की यात्रा मात्र 40 मिनट में पूरी हो सकेगी, वहीं गोचर की यात्रा भी 50 मिनट में पूरी हो जाएगी। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को इन सेवाओं के प्रारंभ होने पर हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह कदम हमारे पूरे राज्य के लिए पर्वतीय क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। जिला मुख्यालय पौड़ी में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। कंडोलिया खेल मैदान में आयोजित प्रतियोगिता में बालक बालिका के अंडर 10, अंडर 15 और अंडर 20 आयु वर्ग में 6 जिलों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हर आयु वर्ग के 4-4 अव्वल तीरंदाजों का राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप डुकलान ने बताया कि पौड़ी में पूर्व में भी जिला राइफल एसोसिएशन के तत्वावधान में तीरंदाजी प्रतियोगिता होती रही है। यह उसी का परिणाम है कि यहां राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता हो रही है। आज यहां पर 3 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके 105 बालक बालिकाएं प्रतिभाग कर रही हैं। और हमने यहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक की तीरंदाजी प्रतियोगिता रखी है, जिसमें अंडर 10, अंडर 15 और जूनियर बालक जो कि अंडर 20 होते हैं, इनका
प्रतियोगिता रखा हुआ है यहाँ पे, और ये पौड़ी के लिए एक अहम प्रतियोगिता है क्योंकि काफी साल पहले यहाँ पे हमारे जो पूर्व संरक्षक थे आर्चरी के श्री जसपाल सिंह नेगी जी, उनके द्वारा कराया जाता था, लेकिन कई सालों से जो नहीं हो रहा है वो आज उन्हीं के मार्गदर्शन से हमने यहाँ पे फिर से इसको शुरू करने की कोशिश करी है। चार बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुकी और राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही अनुराधा भारद्वाज ने कहा कि तीरंदाजी प्रतियोगिता तीरंदाजी के लिए 50, 60 और 70 मीटर की दूरी तय होती है, जबकि हम 5 और 10 मीटर से तीरंदाजी की शुरुआत करते हैं। मैंने सब जूनियर खेला है और जूनियर में नेशनल गोवा में, रुद्रपुर में और भरतपुर और रायपुर में भी खेला है, और हाल ही में मतलब इसी साल में टी राइडर्स का एक मतलब उत्तराखंड में पहली बार टी राइडर्स का लीग हुआ था, उसमें हमारी टीम फर्स्ट गोल्ड लाई थी। सर इसमें ये कि हम पहले बेसिक से सीखते हैं, तो उसमें पहले हम स्ट्रेचिंग वगैरह थर्ड बैंड से होती है, तो धीरे धीरे हम मतलब हमारा डिस्टेंस होता है, जैसे हम पहले पहले जब स्टार्टिंग करते हैं तो हमारा डिस्टेंस 5 मीटर या 10 मीटर होता है, फिर स्लोली स्लोली डिस्टेंस बढ़ता है। इसमें दो कैटेगरी है, एक कंपाउंड है, एक रिकर्व है और एक और इंडियन राउंड है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार स्थित सैनिक विश्राम गृह में जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास लैंसडाउन की ओर से वन रैंक वन पेंशन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर एक स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी पूर्व सैनिक, सैनिक वीर नारियां और सैनिक आश्रित शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न सैनिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों से संबंधित लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना, PDA, ECHS व अभिलेख कार्यालय से संबंधित समस्त समस्याओं का समाधान किया गया। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल ओम प्रकाश फरस्वार ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन के 10 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों से संबंधित जितने भी अभिलेखों में त्रुटियां हैं उनका समाधान करना था। के इस कार्यक्रम में हमने अलग अलग टीम बुला रखी है, पे एंड अकाउंट ऑफिस से स्पर्श की टीम आई हुई है, जो कि CDA पेंशन इलाहाबाद की टीम है, वो इनके जो है जीवन प्रमाण पत्र, जो नवंबर का महीना है, जीवन प्रमाण पत्र को, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को तुरंत यहाँ पे बना करके उनका कार्य करेंगी, और पेंशन से संबंधित कोई भी किसी की समस्या होगी उसका भी समाधान करेंगे। हमारे पास ECHS की टीम भी आई हुई है, वो टीम भी ECHS से संबंधित सारे कार्यों का निदान निष्पादन यहीं पे करेगी। कैंप में आए पूर्व सैनिक शिव सिंह नेगी ने बताया कि उनके PPO नंबर में कुछ त्रुटि आई हुई थी, उसका समाधान किया गया, अब उनकी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वर्ष वो PPO नंबर बना, तब से मेरी डेट ऑफ बर्थ एनरोलमेंट में गलत हो गया, जिसके लिए मैं सैनिक कल्याण विभाग में आया और उनको मैंने अपनी समस्या बताई, उन्होंने मेरी समस्या को नोट कर लिया और बोला हम इसको 15-20 दिन में ठीक करके आपको बता देंगे। हाँ, इस प्रकार से जो कैंप लगते हैं वो जनता के लिए बहुत ही अच्छे कैंप हैं, क्योंकि आपको भागना नहीं पड़ेगा। पूर्व ऑर्डिनरी कैप्टन श्रीधर प्रसाद केसवाल ने बताया कि उनकी PPO में उनकी पत्नी का आधार नंबर, जन्मतिथि और पैन नंबर नहीं आ रहा था, जिससे उन्हें दिक्कतें हो रही थी। आज कैंप के माध्यम से समस्या का समाधान हो गया है। काम था यहाँ पर मेरी मिसिज का PPO में डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, पैन नंबर नहीं आ रहा था, उसको मैंने यहाँ पर अपडेट करवाया है और वो बोल रहे हैं कि एक महीने के अंदर अंदर जो है CDA से आपका ये नया PPO निकल के सही होके आ जाएगा। जो कोई यहाँ पर आते हैं वो अपने अधूरे डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, उनको अपना पूरा डॉक्यूमेंट का हिसाब किताब लेके आना चाहिए। पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्साह डोली अपने विभिन्न पड़ावों से होते हुए आज शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में विराजमान हो गई है। सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में पुष्प वर्षा के साथ भगवान का स्वागत किया गया। अगले 6 माह की शीतकालीन पूजा अर्चना यही होगी। इस मौके पर पहुंचे श्रद्धालु दर्शन कर बेहद उत्साहित नजर आए। आखिरी बार 2007 में आया था तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने, तो बद्रीनाथ के दर्शन करके फिर तुंगनाथ आया था। इस बार मैं तुंगनाथ बाबा की जो मकोट में डोली आती है वो दर्शन करने के लिए 2 दिन पहले आ गया था, तो सब परिवार अपने बच्चों को लेके देहरादून से।
आज तक अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा आज का ट्रिप है अचानक से बना था। हम जाने वाले थे तुंगनाथ, लेकिन पता चला कि वहाँ कपाट बंद हो गए हैं, तो हम सुबह दर्शन करने मुक्कुमठ आए, तो पता चला कि अभी गद्दी के मैं जो तुंगनाथ भगवान जी हैं ये अभी आए नहीं है। हम लोग चले गए थे और आधे रास्ते से पता नहीं क्यों मन नहीं माना तो हम वापस आ गए, और जैसे ही दर्शन किए वो लाइव देख के पूरे शरीर में रोंगटे आ रहे थे, तो मन कर रहा था कि बस देखते रहो इसे। शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कुमठ में भगवान तुंगनाथ की डोली आगमन पर क्षेत्र के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु और ध्यानियां भी पहुंची थी जिन्होंने बाबा तुंगनाथ का आशीर्वाद लिया। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी मेरा मायका है यहाँ 6 महीने ऊपर तुंगनाथ में पूजा होती है और 6 महीने यहाँ मक्कुमठ गाँव में होती है, जो कि मैठाणी यहाँ के पुरोहित हैं और यहाँ के जो सेवा है वो यहाँ के भंडारी लोग हैं। यहाँ विधिवत 6 महीना भोलेनाथ की पूजा होती है। मैं यहाँ हर बार मायके जब तुंगनाथ जी ऊपर भी जाते हैं तुंगनाथ मैं तब भी आती हूँ, और जब तुंगनाथ जी यहाँ नीचे आते हैं मैं तब भी आती हूँ हमेशा। तुंगनाथ मंदिर के कपाट 4 नवंबर को शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। विश्व विख्यात तृतीया केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बीते 4 नवंबर को बंद हो गए थे। आज भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने विभिन्न पड़ावों से होते हुए अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मर्कटेश्वर मंदिर मक्कुमठ पहुंच चुकी है, और अब अगले 6 महीने भगवान तुंगनाथ की जो पूजा अर्चनाएं हैं यहीं पर संपादित होंगी, और देश दुनिया के जितने भी श्रद्धालु हैं भगवान तुंगनाथ के यहीं पर दर्शन कर पाएंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे, मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।